तो आज पहला दिन है। मैं आपको जानकारी दे दूं कि यह कार्यक्रम किस लिए हो रहा, क्योंकि कुशीनगर में आज नहीं, मैंने विश्व कार्यक्रम किया और आज भी आपके सामने, लेकिन आज उस संदेश में पूर्ण परिवर्तन मिलेगा। वो चीजें नहीं, आप कुछ तो वो बातें बताएंगे जिससे आप भ्रमित हुए हो, वो तो आपसे पूछेंगे और बताएंगे भी। कल आपसे पूछूंगा, फिर आपको बताऊंगा। आज तो मैंने केवल इशारा, हर तरफ इशारा। इसलिए यहां आओ तो बेटी बन के आओ, बहू बन के नहीं। कोई जेवर जहरात लेके मत आओ, यहां बहुत से गिरह काट आ गए, फिर आप रोगे चिल्लाओगे, मैं एक भी बात सुनने वाला नहीं। मैं 10 वर्षों से बराबर कह रहा हूं कि सत्संग में आओ तो बेटी बन के आओ, बहू बन के नहीं। कोई जेवर नहीं, कोई झगड़ा, क्या यहां किसको दिखाओगी? और दिखाओगी वो छीन लेगा दिखाने में। यहां किसी को दिखाना नहीं है, यहां सत्संग सुनने आए हो, सेवा करने आए हो, भजन करने आए हो, तो इसकी क्या जरूरत? तो सब बाधा है, सब बाधा है। और बाद में आप रोते हो हमारी जंजीर कट गई, हमारा मंगलसूत्र ये हो गया वो हो गया, हम एक भी बात सुनने वाले नहीं। मैं 10 वर्षों से बराबर रोक रहा हूं कि ऐसा कोई यानी सामान लेके आ मत आओ जिसमें तुम्हारा मन अटका रहे, सत्संग भी नहीं सुनोगे और जब निकल जाएगा तो सब भूल जाओ और बुराई करोगे अलग से। अपनी मन की बुराई नहीं देखोगे, यहां की बुराई करोगे। सत्संग में गए थे, हमारा ये हो गया, तो तुम सत्संग में कहां गए थे? सत्संग में आने का मतलब सत्संग के अनुसार आओ, जो तुम्हें बता दिया जाए उसे मान के आओ, तब तो आप सत्संग में आए हो। कोई आदेश आप पालन करते नहीं, बात में रोते हो, तो आपकी तो संभाल के लिए, रक्षा के लिए, लाभ के लिए तो कहा जाता है, तो आपने सब भुला दिया। अब आप उसी के लिए परेशान हो रहे, क्या करें क्या करें कैसे। तो इन 10 वर्षों में कोई चीज मैंने बाकी सब आपको बता दिया कि कैसे रहना है, कैसा खान पान करना है, कैसी सादगी में रहना जो तुम्हारा मन न खराब हो और तुमको देखे तो दूसरे का मन खराब ना हो। आप दोनों तरफ से अपना नुकसान करते, फैशन करके तुम्हारा मन खराब होता और जो देखता उसका मन खराब होता, तो आप दो तरफ से अपना नुकसान कर रहे हैं। अपने मन को खराब किया और दूसरे के मन को खराब किया, तो ऐसे काम करते ही क्यों जिसमें अपना नुकसान हो दूसरे का भी नुकसान हो। इसलिए संत मत में ये नहीं कुछ, अभी संत मैंने शुरुआत की, संत मत अभी आपको पूरा बता दूंगा, सब भाग जाओगे, कोई यहां टिकोगे नहीं, इतना सादा है। लेकिन धीरे धीरे सुना सुना कर तुमको मजबूत कर दूंगा, तुम्हारे मन को शांत कर दूंगा, तो आप हर बात अपनाने के लिए तैयार हो जाओ। एक बार की बोझा ला दिया जाए, आप बोझा फेंक के चले जाओगे, क्योंकि तुम्हारे बस का वो संत मत का बोझा नहीं है जो तुम उठा सको। लेकिन धीरे धीरे उस बोझे को उठाने के काबिल बना दिया जाएगा, आप सब कुछ कर दोगे, अपना भी कर लोगे और दूसरों का भी कर दोगे। जब गुरु आदेश दे देगा कि चलो भाई अपना काम कर लिया और जीवों का भी काम कर दो, तब ऐसे नहीं, अपने मन से नहीं। अपने मन से तुम्हें मालूम नहीं है तुम्हारा काम पूरा हुआ कि नहीं हुआ और इनके काम को हम करने के लायक हैं कि नहीं, तो ये तो आपके लिए अनर्थ हो जाएगा, नुकसान आपका हो जाएगा। इसलिए बहुत सादगी में रहने की जरूरत